आचार्य विनय झा जी। उपस्थित सज्जनों, समयाभाव के कारण मैं यहाँ के विद्वानों का नाम लेकर अलग अलग संबोधन अभी नहीं कर सकूंगा, क्योंकि बहुत विशाल विषय मुझे थमा दिया गया है। अभी जिस विषय पर बोलना है उसके तीन अंग हैं। मैं संक्षेप में सारी प्रमुख बातों को रखने का प्रयास करूंगा। पहला अंग है हमारे इतिहास के साथ जो एक सांस्कृतिक विद्वेष की भावना से हिंदू विरोधी जो एजेंडा है। दूसरा है ऐतिहासिक भाषा विज्ञान को एक प्रामाणिक साक्ष्य मानकर हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ किया गया है, उस पर भी कुछ प्रकाश डालना है कि उसने कहां कितनी बेईमानी की गई है। और तीसरा है ऐतिहासिक भौतिकवाद कार्ल मार्क्स का, जिसको आधार बनाकर वामपंथ का झूठा लेबल चिपकाकर जो मैकालेवादी जो ब्रिटिश उपनिवेशवादी उसे आज वामपंथ के नाम पर परोसा जा रहा है। जो लोग अपने को वामपंथी कहते हैं, वामपंथी है नहीं। भारत की कोई भी कम्युनिस्ट पार्टी पिछले 30-40 साल से मजदूर और किसान के लिए एक भी आंदोलन नहीं कर पाई है। कहते हैं कम्युनिस्ट हैं तो मजदूर और किसान के लिए लड़ते हैं, देश के टुकड़े करने के लिए लड़ना तो कोई वामपंथ नहीं है। इन सब के पीछे और ये जो तीन धाराएं बताई, इन सब में परस्पर बहुत मतभेद है, आपस में झगड़ते रहते हैं, लेकिन जब हिंदू शब्द सुनते हैं तो सब इकट्ठे हो जाते हैं। कैसे इसे मिटाया जाए? हजार वर्ष आज भी काहिरा और बगदाद में जो उलेमाओं का सम्मेलन चलता है तो सबसे बड़ा मुद्दा यही रहता है कि 700 वर्ष हमने राज किया, दूसरे देशों में हम गए तो एक झटके में वहां की संस्कृति को मिटा दिया, सारे प्राचीन सबूत नष्ट कर दिए। लेकिन हिंदुस्तान में ऐसी क्या चीज है कि 700 वर्ष तक हम वहां शासन किए और फिर भी वहां बहुमत आज भी हिंदुओं का है? वो लोग कारण समझ नहीं पा रहे हैं। रामशरण शर्मा जी की पुस्तक एनसीईआरटी में थी, उसमें मैंने पढ़ा विंसेंट स्मिथ को खूब गड़ियाए थे कि वो उपनिवेशवादी थे, सिकंदर के आक्रमण पर बहुत विस्तार से लिखे, इतना केवल एक ही इसी बिंदु को लेकर उनकी आलोचना की है। एक कम्युनिस्ट लेखक रजनी पाल में दत्त की पुस्तक है इंडिया टुडे 1946 ईस्वी की, कम्युनिस्ट थे, ब्रिटिश कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य थे, उनकी माता स्वीडन के प्रधानमंत्री ओलेफ पालमे के परिवार की थी, पिताजी बंगाली ब्राह्मण थे। वो पुस्तक हर किसी को पढ़नी चाहिए। 200 सालों में भारत के साथ क्या क्या अन्याय किया गया है वो आधुनिक युग में, गांधी जी का भाषण, सुभाषन बसु के साथ किया हुआ सबका वो पत्र सब सबूत सब उसमें वो छपा दिए हैं। वो पुस्तक बैन कर दी थी ब्रिटिश सरकार ने, लेकिन अब वो नेट पर मुफ्त में मिल जाएगी। उसमें उनके अपने विचार से आपका मतभेद हो सकता है, लेकिन जो सबूत सब उसमें उन्होंने प्रकाशित किए वो सब बहुत काम की चीज है, उसे प्रकाश में लाइए। उसी में मैंने पढ़ा था विंसेंट स्मिथ ने भारत की परिभाषा दी थी कि इंग्लैंड की राष्ट्रीयता तलवार के बल पर कायम हुई है, किंतु भारत एक राष्ट्र है और वो एक सांस्कृतिक राष्ट्र है। इतिहास के अधिकांश कालखंड में भारत कभी भी राजनीतिक रूप से एक देश नहीं रहा। ये उनका मत है, मैं अपना मत नहीं कह रहा हूं। इसके बावजूद भारत के लोग अपने को भारतीय कहते हैं, अपने को एक राष्ट्र समझते हैं, क्योंकि उनकी एक संस्कृति है। किंतु विंसेंट स्मिथ को यह लिखने का साहस नहीं हुआ कि वह कौन सी संस्कृति है जिसने भारत को एक राष्ट्र बनाया। हमें पढ़ाया जाता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। जब मैं एंथ्रोपोलॉजी पढ़ रहा था विश्वविद्यालय में, नहीं विश्वविद्यालय में तो मैंने केवल विज्ञान और साहित्य अंग्रेजी पढ़ा था, उसमें मैंने पढ़ा कि संसार में चार प्रमुख नस्लें हैं, एक ऑस्ट्रिक ऑस्ट्रोलाइड, दूसरा नेग्रिटो, दोनों अफ्रीका से आए भारत में भी आए, एक मंगोलाइड चीन से आए, कॉकेसाइड यूरोप से आए, भारत में ये चार नस्ल हैं। मैंने बहुत ढूंढा संसार में, मुझे दूसरा ऐसा कोई देश नहीं मिला जहां ये चारों नस्ल हो। भारत संसार का एकमात्र ऐसा देश है जो इतना घटिया है कि यहाँ कोई नस्ल उत्पन्न नहीं हो सकती है, कोई सभ्यता यहाँ पैदा नहीं हो सकती है। द्रविड़ आए भूमध्य सागर से, किरात आए चीन से, आर्य आए यूरोप से,
लेकिन इस घटिया देश में संसार के सारे नस्ल आए, संसार के दूसरा कोई देश नहीं है। चीन में कॉकेसाइड नहीं गए, नेग्रिटो नहीं गए, यूरोप में नेग्रिटो नहीं गए, मंगोलाइड नहीं गए, भारत में ही सब क्यों आते हैं? ये इतना घटिया देश है तो इससे दूर रहते हैं। उस समय मैं छात्र था, इतिहास में भी ऐसी ही बातें मुझे मिलती थी कि भाषा विज्ञान ने सिद्ध कर दिया है कि 1200 ईसा पूर्व में ऋग्वेद की रचना हुई, उससे प्लस माइनस 200 वर्ष भाषा विज्ञान ने साथ सिद्ध कर दिया। 12 वर्ष तक मैंने भाषा विज्ञान का अध्ययन किया। सबने कहा कि कार्ल ब्रुगमैन उसके सबसे बड़े पोप हैं भाषा विज्ञान के। 5 खंड में उनकी पुस्तक मिली, गुंडरिस देर फ्रेडलाइकेंडन इंडो जर्मन सिस्टेन स्फ्राखेन। मुझे 62 भाषाएं सीखनी पड़ी थी वो पुस्तक समझने के लिए। 12 वर्ष मैंने काम किया, एक भी पन्ना में एक भी पंक्ति मुझे उसमें सच्चाई नहीं मिली। और कार्ल ब्रुगमैन को कहीं कोई सच्ची बात कहनी पड़ती थी तो नीचे फुटनोट में लिखते थे अपनी ही पुस्तक में। उसमें उन्होंने आरंभ में ही लिख दिया था कि ऋग्वेद का काल जो 1200 ईस्वी कहा जाता है वो इतिहासकारों का मत है। मैं चौंका, इतिहासकार कहते हैं कि भाषा विज्ञान ने सिद्ध कर दिया, जो सबसे बड़े भाषा वैज्ञानिक कहते हैं, इतिहासकारों ने सिद्ध किया है, सबूत किसी के पास नहीं है कि ऋग्वेद कब का है। मैंने बहुत सबूत खोजे, नहीं मिला कहीं भी। सब एक दूसरे को उद्धृत करते हैं, वहां सबूत है, वहां सबूत है, दिखाता कोई नहीं है कि ऋग्वेद की रचना कब हुई थी, उसका क्या आधार है। मैंने बहुत मथापच्ची इस पर की तो मुझे आधार मिल गया। ट्रॉय का युद्ध को वो लोग 1200 ईसा पूर्व का मानते हैं, और उस समय जो ग्रीक थे जिन्होंने ट्रॉय पर हमला किया था वो लोग पशुचारक अवस्था में थे मुख्य रूप से। उन लोगों ने सोचा कि ऋग्वेद की सभ्यता भी तो पशुचारकों की है, ऋषि सब तो ग्वाले थे, गाय पालते थे, दूध पीते थे, कोई कल्चर नाम की चीज तो उनमें थी नहीं। ऋग्वेद में कोई साहित्य भी है, छंद भी है, पोएट्री है, ये सब तो बहुत बाद में रविन्द्रनाथ थापर जी के जो गुरु थे कैनवरा यूनिवर्सिटी के, वंडर दैट ऑफ इंडिया, उन्होंने तो ऋग्वेद में कुछ छंद और साहित्य भी देखा। थापर जी को नहीं सूझा कि ऋग्वेद में कोई काम की चीज है। आज भी आप बच्चों का जो टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी का उठाइएगा, ऋग्वेदिक अध्याय जो है, एक वाक्य भी नहीं मिलेगा कि ऋग्वेद में क्या है। चैप्टर है पूरा ऋग्वेद पर, ऋग्वेद में क्या है इसकी कोई जानकारी हमारे छात्रों को नहीं दी जाती है। ईटा पत्थर मिट्टी के टुकड़े ये सब इतिहास के साक्ष्य हैं, उसे पुरातत्व कहते हैं। पुरातत्व की परिभाषा दूसरी थी संस्कृत में, तत्व का अर्थ ही दूसरा था। तत्व ज्ञान को लोग तत्व कहते थे। तो रामचरण शर्मा जी के गुरु थे गॉर्डन चाइल्ड, उन्होंने साफ साफ लिख दिया था कि चीन और भारत की जो सभ्यताएं हैं वो पाश्चात्य सभ्यता के महासागर में गिरने वाली गंदी नालियां हैं जो धीरे धीरे पूरी तरह से विलीन हो जाएंगी। कितनी घृणा है इन शब्दों में, समूची भारतीय और चीनी सभ्यताओं को गंदी नालियां कह रहे हैं जो विलीन हो रही है। और भारत का जो सत्ताधारी वर्ग है और चीन का भी सत्ताधारी वर्ग है वो सब सचमुच गंदी नालियां हैं और विलीन होने जा रही है। चंद्रकांत द्विवेदी जी जिन्होंने चाणक्य सीरियल बनाया, उन्होंने एक जगह अपनी फिल्म में ही कहा था कि जिस दिन इस देश से गरीबी हट जाएगी उस दिन हिंदुस्तानी भी हट जाएगी। तो ये जो गरीब वर्ग है ना, वही हमारी संस्कृति बची हुई है। जिसे गॉर्डन चाइल्ड ने कहा कि संस्कृति है वही भारत है। तो क्या है? तो मेरे गुरुजी ने मुझे भारत की परिभाषा बताई थी कि भारत उसे कहते हैं जो चारों पुरुषार्थों द्वारा प्रजा का सर्वविध भरण करे, रंजन करे। चारों पुरुषार्थ की पूर्ति केवल इसी भूमि में संभव है, धर्म सम्मत काम भी, धर्म सम्मत अर्थ भी और मोक्ष भी। मोक्ष का दर्शन तो किसी भी अभारतीय संप्रदाय में है ही नहीं। हमारा संविधान जो है वो पटेल जी और राजेंद्र प्रसाद जी के नेतृत्व में बना था, अंबेडकर जी ने केवल 2 अनुच्छेद जोड़े थे, बाकी सारे एक भूतपूर्व जज थे राव साहब, उन्होंने 235 अनुच्छेद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से उठाकर ज्यों का त्यों कॉपी पेस्ट कर दिया। उसमें थोड़ा बहुत संशोधन करना पड़ा क्योंकि वो प्रिंसली स्टेट सब हटने थे, और बाकी जो कुछ हुआ उसमें वो सब 2 साल की बहस में सैकड़ों लोगों ने योगदान दिया था, उन सब के विचार से वो बना है संविधान, किसी एक अंबेडकर जी ने नहीं बनाया।
और अंबेडकर जी तो खुद कोई विद्वान थे भी नहीं, उनकी थीसिस रिजेक्ट हो गई थी याले यूनिवर्सिटी में। उसका कि वहां निर्णय हुआ कि अब बिना डिग्री के किसी को थीसिस नहीं दी जाएगी, बिना थीसिस के उनको डिग्री दी गई थी। उसके 11 साल के बाद अंग्रेजों के पैरवी पर याले यूनिवर्सिटी ने उनको उस रिजेक्ट थीसिस पर दोबारा डिग्री दी, जो कि गैर कानूनी है। किसी रिजेक्ट थीसिस में जो खामी बताई गई है उसे दूर किए बिना आपको उस पर डिग्री नहीं मिल सकती है। वो अवैध डिग्री उनको दी गई थी 11 वर्ष के बाद। और वो रिजेक्ट क्यों की गई थी? यदि अंबेडकर जी की थीसिस सही है तो मैक्स मुलर झूठा है। तो आज इस बात को आप लोग जरा ध्यान में लाइए और उठाइए कि अंबेडकर यदि विद्वान थे और उनकी थीसिस जिसे 11 साल के बाद में स्वीकृति दी भी गई, तो मैक्स मुलरवाद तब क्यों पराया जा रहा है? मैक्स मुलरवाद के अनुसार आर्य बाहर से आए, हमारी सारी जितनी भी संस्कृत से संबंध भाषाएं हैं वो सब बाहर से आए। तो अंबेडकर जी की ये मूल निवासी कौन सी भाषा बोलते थे? उनकी यही थीसिस थी और षड्यंत्र था कि जो सवर्ण है उनको विदेशी घोषित करना है और मूल निवासी मुसलमानों और वनवासियों को एकजुट करके यहाँ पर पोग्राम, कतलेआम, एथनिक क्लिनसिंग करानी है। ये षड्यंत्र उनका था और उनके पीछे ब्रिटिश साम्राज्यवाद का हाथ था। 4 वर्ष गायकवाड़ के महाराज से दोबारा जब ग्रांट लिए थे याल यूनिवर्सिटी जाने के लिए, तो वहां नहीं जाकर वो लंदन चले गए और वहां 4 वर्ष तक उन्होंने यही पैरवी की इंडिया ऑफिस में जाकर कि हमारी बात आप लोग मान लीजिएगा तो भारत का सफाया हो जाएगा। उसके सारे प्रमाण उपलब्ध हैं। इस बात को जरा आगे लाइए, भाजपा भी अंबेडकर को महापुरुष घोषित किए जा रही है। हमारे गांव के जिन दलितों ने उनका नाम तक नहीं सुना था, अब उनको बताया जा रहा है कि उन्हीं के कारण से आप आज इंसान के जीवन जी रहे हैं। अंबेडकर ने देश को नष्ट करने के लिए जो जो करामात किए थे उसे प्रकाश में लाना आवश्यक है। बौद्ध थे तो उन्हें क्या हक था हिंदू का मैरिज एक्ट बनाने का? सिविल कोड बनाते सबके लिए? और बौद्ध भी कैसे थे, आज बौद्ध बने और 2 दिन के बाद दूसरों को दीक्षा देना, अपने को बोधिसत्व घोषित करना शुरू कर दिया, उनकी गद्दी पर उनका बेटा फिर बैठा, ये तो बौद्ध धर्म में कहीं नहीं है। तो इसमें भारत, इतिहास और वामपंथ, पहले इन शब्दों को जरा परिभाषित कर लें। क्या कारण था कि हम एक शक्ति थे? सांस्कृतिक ही नहीं, हर क्षेत्र में हम शक्ति थे। और क्या कारण था कि हम फिर अशक्त हुए? भारत नाम के राष्ट्र शब्द जिस धातु से बना है उसी का अर्थ है रंजन करना। राजा भी उसी धातु से बना है, मनोरंजन नहीं, रंजन, जिससे वास्तव में सर्वविध रंजन हो, चारों पुरुषार्थों की सिद्धि हो, उस संस्था को राष्ट्र कहते हैं। इस परिभाषा के अनुसार संसार में एकमात्र राष्ट्र केवल भारत है और वो सनातन है, कभी मिट नहीं सकता है, कमजोर हो सकता है, उत्थान पतन होता है, ये मिटने वाला नहीं है। क्योंकि जब तक इस संसार में आत्माएं हैं उन्हें कितना भी कुचलिएगा, वो जर्मनी में पैदा हो या भारत में, वो अपने कल्याण, सेल्वेशन, मोक्ष के लिए प्रयास करती रहेंगी। देर सवेर उनको कभी न कभी भारतीय दर्शन के शरण में आना ही पड़ेगा, क्योंकि मोक्ष का दूसरा कोई मार्ग संभव नहीं है पृथ्वी पर। और जब तक वो छटपटाहट जीवों में रहेगी कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरा क्या कर्तव्य है, फिर मरने के बाद हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, हम कालमास की तरह केवल देह हैं, क्या उसके बाद भी हमारा कोई अस्तित्व रहेगा, ये जिज्ञासा जब तक रहेगी जीवों में तब तक भारत नाम का राष्ट्र रहेगा इस पृथ्वी पर। क्योंकि आप किसी भी देश में पैदा हो, यदि आप अपने प्रति ईमानदार हैं तो आपको भारत को समझना पड़ेगा, भारतीय दर्शन की शरण में आना पड़ेगा, क्योंकि इन समस्याओं का समाधान दूसरे किसी संस्कृति, किसी दर्शन में नहीं मिल सकता है। इसका यह कारण नहीं है कि दूसरे देश बुरे हैं, खराब हैं, कारण यह है कि दूसरे देशों की जो संस्कृति है उन्हें बहुत पहले मिटाई जा चुकी है, हम अभी तक बचे हुए हैं। जहां तक अभी असुरों का प्रवेश नहीं हो पाया है, उन दूर दूर के सुदूर देहातों में हम बचे हुए हैं, नगरों में नहीं। मैं तो खुलेआम कहता हूं मैं भारत का नागरिक नहीं हूं, मैं भारत का देहाती हूं, वही हमारा भारत है। ये नगर क्या होता है, सिटीजन्स? जो शहर में नहीं रहते वो देश के नागरिक नहीं है क्या? तो भारत नाम का जो ये राष्ट्र है उसकी शक्ति है भारतीय,
जो गुरु की वाणी बनकर उतरे तो ईड़ा और शिष्य की मति का रूप धरे तो सरस्वती कहलाती। भारती, ईड़ा और सरस्वती ये तीसरों देवियां ऋग्वेद में इनके कई सूक्त हैं। जब तक वो शक्ति इस देश में विद्यमान थी, एक अकेला शिक्षक अपनी चुटिया खोलकर घूम गया तो देश के 6 लाख शिष्य उनके पीछे हो गए, और सिकंदर जैसी बड़ी फौजों को मारकर भगाया, देश के बुरे राजाओं को मारा, ठीक किया, सुधारा। वो शक्ति छीन हुई, आज भी चाणक्यों की कमी नहीं है देश में, लेकिन ऐसी व्यवस्था है कि अब उनको चंद्रगुप्त नहीं मिलते। वो शक्ति जब से छीन हुई तो कुछ मुट्ठी भर लोगों ने, 900 सिपाही थे रॉबर्ट क्लाइव के पास, हमें गुलाम बना लिया। संसार की सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी हमारे पास थी, यूरोप के व्यापारी हमारा माल खरीदने आते थे, बेचने नहीं आते थे, हमारी वस्तुएं अच्छी थी, चाहे भले हाथ से ही बनती हो। संसार के सबसे बड़े सेठ हमारे भारत में थे, मारवाड़ी सेठ थे, बंगाल के जगत सेठ थे, लेकिन मराठे भी उनको लूटते थे। और भारत की गुलामी का सबसे बड़ा कारण जो आज भी नहीं पढ़ाया जाता है हमारी पुस्तकों में, कि कैसे मुट्ठी भर लोगों ने हमें गुलाम बनाया, तो कारण था कि हमारे देश का शासक वर्ग जो था वो अपने को इस देश का नहीं मानता था, और हमारे देश का जो पूंजीपति वर्ग था, कामगार वर्ग था, उनको वो सोने की अंडा देने वाली मुर्गियां मानता था। यूरोप के, इंग्लैंड के, हॉलैंड के जो सत्ताधारी वर्ग थे, वो सब वहां के व्यापारियों की रक्षा के लिए अपनी नौसेना भेजते थे, संसार में व्यापार करो, उस मुनाफा कमा कर लो। और हमारे देश के जो शासक थे, चाहे वो बंगाल के नवाब हों, चाहे मराठे भी हों, शिवाजी को छोड़कर, शिवाजी ने नौसेना बनाने का बड़ा प्रयास किया था, लेकिन वो अल्पायु में चल गए, बाजीराव प्रथम भी अल्पायु में ही चल बसे, उनके बाद कोई भी सही मराठा, बाजीराव आदित्य की बेवकूफी से ही पानीपत के युद्ध में हार हुए थी। जितने भी दूसरे भारत के थे राजा सब, उन्होंने कभी भी भारतीय व्यापारी वर्ग का संरक्षण नहीं किया, नौसेना की ओर ध्यान नहीं दिया, लूटा। उसी से बचने के लिए जगत से अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शरण में गए थे, उन्होंने भी उसको धोखा दिया, उसी पैसे से मीर कासिम सब की फौजों को खरीदा, सिराजुद्दौला को धोखा देकर मारा, और बाद में जगत सेठ को भी लूट लिया और मार दिया, उसको झूठे केस करके फांसी दे दी। हमारे पास पूंजी बहुत थी, टेक्नोलॉजी थी, आदमी थे, संख्या थी, फौज थी, सब कुछ था। ये जो सत्ताधारी शासक वर्ग था जो अपने को भारतीय नहीं मानता था, अहमद शाह अब्दाली की सहायता में भारत के सारे मुस्लिम बादशाह एकजुट हो गए थे, और बाजीराव द्वितीय की बेवकूफी के कारण से राजपूत और भरतपुर के सूरजमल भी मराठों का संग छोड़कर चले गए थे, उनका दोष नहीं था, मराठों का दोष था, उन्होंने सबको एक करने की कोशिश नहीं की थी। तो कुछ गलतियां हमसे हुई हैं, हमारा नेतृत्व सही नहीं था, हमें कुछ ही और समय यदि मिल जाता तो अंग्रेज यहां राज नहीं कर पाते, लेकिन हमारी कुंडली कमजोर हो चुकी थी। ये जो वामपंथी षड्यंत्र जिसको कहते हैं, वो षड्यंत्र आज से नहीं है, लाखों साल से ये वामपंथी हैं। कभी अपने को असुर कहते थे, कभी वाम मार्गी, कभी तांत्रिक, यज्ञ में गोहत्या भी करते थे, हड्डी फेंकते थे, जिसकी राम जी को बुलाकर ले गए थे विश्वामित्र जी। आज भी जितने भारत के संस्कृत विश्वविद्यालय हैं, उन सब में यही पढ़ाया जाता है कि यज्ञ में गोहत्या होनी चाहिए, हमारे ब्राह्मण वैदिक पढ़ाते हैं, सभी भाष्यों में लिखा है, मंत्र में कहीं नहीं है। ये भाषकारों की, रावण जैसे भाषकार सबसे उनकी बदमाशी थी, वही भाष बचे हुए हैं। आदिशंकर अल्पायु में चले गए, वेद का भाष नहीं लिखे, केवल वेदांत दर्शन से संबंधित बातों पर भाष वो लिखे, उनके बाद कोई अच्छा भाष्कार नहीं हुआ। सायनाचार्य ने भी पहले के भाष्कारों का, यजुर्वेद में मंत्र का सपमिति अग्न्या आहु सपामहे, गाय अवध है, आहु माने लोग कहते हैं, सपामहे माने शपथ खाते हैं कि गाय अवध है, और वहां भाष्कार का सपमिति हिंसार्थ, यहाँ सबका अर्थ शपथ नहीं है बल्कि हिंसा है। संस्कृत व्याकरण में सबका अर्थ कहीं हिंसा नहीं होता है, ये गुंडागर्दी है, इसलिए हम गाय काटेंगे। और ये पढ़ाया जा रहा है आज भी, BHU में भी, कामेश्वर सिंह में, दिल्ली में, हर जगह गो हत्या जब हमारे पंडित पढ़ा रहे हैं तो हम मैक्स मुलर को, मैकाले को क्यों दोष दें, वामपंथियों को क्यों दोष दें? दोष हमारे इन वैदिक पंडितों का है। मैंने एक विद्वान को कहा कि आप सही भाष क्यों नहीं पढ़ाते हैं, तो जो भाष है वही ना पढ़ाएंगे। मैंने कहा गलत बात आपको, और आप प्रोफेसर हैं, आपको अपना मत प्रोफेस करने का अधिकार सरकार ने दिया है, ऑटोनोमस बॉडी है विश्वविद्यालय, आपको जो सही लगे वो आप पढ़ाइए, आप व्याकरण भी जानते हैं और वेद का अर्थ भी जानते हैं,
ऋग्वेद में है कसमे देवाय हविषा विधेम, उसका अर्थ कर दिया कि ऋषियों को पता नहीं था कि कौन देव छोटा है कौन बड़ा है, झगड़ते थे कि किसको हवि दें, जबकि यास्क निरुक्त के एकमात्र ऑथोरिटी हैं जो बचे हुए हैं, उनकी ग्रंथ आज भी पढ़ाई होती है, उन्होंने साफ लिखा है और याज्ञवल्क को प्रमाण मानकर लिखा है, जिन्होंने बृहद दारावक में दिया है कि 33 कोटि जो व्यंजन है वो 33 कोटि देवताओं के प्रतीक है, जिसमें जो क है वो पहला व्यंजन वो परब्रह्म का प्रतीक है। इसलिए कोई उसे इंद्र कहे, कोई मरुद कहे, कोई वरुण कहे, लेकिन सत्य एक ही है, विप्र उसे विभिन्न नामों से बुलाते हैं, यह भी उसी वेद में मंत्र है। तो यहां भी वही अर्थ है कि किसी को भी हवि दी जाए लेकिन सारी हवियां उस क को प्राप्त होती है, एक ही वो परब्रह्म है। एक वैदिक ऋषि का जिसका नाम ही है रोमशा ब्रह्मवादिनी, पूरे ऋग्वेद में मुझे ब्रह्मवाद शब्द वहां मिला, वाद शब्द, आज हम गांधीवाद मार्क्सवाद सुनते हैं, ब्रह्मवाद शब्द कहीं सुनाई नहीं देता है। ऋग्वेद के दर्शन को ब्रह्मवाद कहा जाता था। यजुर्वेद का अंतिम मंत्र है हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस अपिहितं मुखम्, हिरण्मयम स्वर्णिम पात्र से सबका मुख ढका हुआ है। ये स्वर्णिम पात्र क्या है? तो भौतिक चकाचौंध, ये माया का जो जगत है, जिसके आकर्षण में हमारे ये भौतिकवादी मार्क्सवादी सब भी केवल उसी को सत्य मानते हैं, भौतिक पदार्थ ही सब कुछ है, उसी से चेतना बनती है, यही मार्क्सवाद में पढ़ाई होती है। जो भौतिक पदार्थ बिना चेतना के कुछ स्वयं चल भी नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, वो चेतना को बना देता है। ये कैसी बड़ी मूर्खता है। और कार्ल मार्क्स स्वयं भाववादी थे, उनके गुरु हेगेल थे, उन्होंने डायलेक्टिक्स पर बड़ा लंबा चौड़ा व्याख्यान सब दिया था, बड़े बड़े पोथे लिखे थे कि कैसे वो 300 बार घुमाव में विकास होता है, थीसिस एंटीथीसिस तैतरीय उपनिषद से चोरी की ये नहीं बताया किसी ने, उसमें साफ लिखा है कि पूर्व पक्ष है उत्तर पक्ष है दोनों में संधि होती है, किंतु बिना संधान के नहीं होती है, 4 पक्ष होते हैं। संधान शब्द नहीं लिया हेगेल ने, थीसिस लिया, एंटीथीसिस लिया, सिंथेसिस लिया, लेकिन मार्क्स ने कहा कि अपने आप सिंथेसिस नहीं होगा, हाँ उसमें हमको योगदान देना है, हमारा कर्तव्य है, दायित्व है, लेकिन उसके लिए जो संधान शब्द था तैतरीय में वो मार्क्स को पता नहीं था, वो भारतीय पुस्तक तो पढ़ते नहीं थे। जिस वर्ष कार्ल मार्क्स पैदा हुए थे उसी वर्ष जर्मनी के सबसे बड़े दार्शनिक थे शोपेनहावर, उनके हाथ भगवत गीता का जर्मन भाषा में अनुवाद लग गया, पढ़कर उनको इतना आनंद आया कि बर्लिन के चौक पर नाचने लगे थे। और उनके शब्द थे कि मानव जाति ऐसी पुस्तक लिख सकती है, ये मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। और उसी जर्मनी में कार्ल मार्क्स पैदा हुए, कभी गीता का नाम नहीं लिया उन्होंने। जर्मनी के बड़े बड़े विद्वानों ने उपनिषदों का वेदों का अनुवाद किया था मार्क्स के समय में, मार्क्स बुद्धिजीवी थे, भारत में भी उनको बहुत रुचि थी, लंदन के सारे अखबारों में भारत का न्यूज ढूंढते रहते थे, लेकिन भारतीय दर्शन वेद उपनिषद गीता का कभी जीवन में एक बार भी चर्चा नहीं किया कार्ल मार्क्स ने। उतने बड़े दुष्ट तो रामचंद्र शर्मा भी नहीं है, ये तो कम से कम नाम तो लेते हैं, भले ही वेद का उल्टा अर्थ लगाए। मेरे गुरुजी पटना यूनिवर्सिटी में संस्कृत में गोल्ड मेडलिस्ट थे, हमारे यहाँ कुलपति थे लेकिन वेतन नहीं लेते थे, बाल ब्रह्मचारी साधु थे, उनके यहाँ जाकर रामचंद्र शर्मा 10-12 साल तक सारे वेद मंत्रों का पुराणों रामायण सबका श्लोक का अर्थ नोट करते थे और 10-15 साल के बाद अपनी पुस्तक में उसका प्रयोग करते थे, और सारे अर्थों को विकृत करके जानबूझकर झूठा अर्थ। मेरे गुरु जी ने मुझे कहा था कि जिस आदमी को संस्कृत नहीं आती है उसे अपना अर्थ देने का अधिकार कहां से प्राप्त हुआ है, ये तो 400 बीसी है। मैं आज भी दावे से कहता हूं कि रोमिला थापड़ जो है उसकी थीसिस कैंसिल होनी चाहिए, जो ऑक्सफोर्ड से की थी, झूठी थीसिस है। वो अशोक जो थे वो मौर्य साम्राज्य का डिक्लाइन कैसे हुआ उसी पर पीएचडी की थीसिस थी, वो अब पढ़ाई भी होती है पीजी में, पूरी किताब झूठ का पुलिंदा है। अशोक कभी बौद्ध नहीं बना, कोई सबूत नहीं है, कभी ब्राह्मण और वेद का विरोध नहीं किया, सारे शिलालेखों में सबसे पहले ब्राह्मण को प्राथमिकता है और फिर श्रमणों को, तो श्रमण का अर्थ ये लोग कहते हैं कि वो बौद्ध श्रमण हुआ करते थे, नहीं, बौद्ध शब्द केवल एक लुम्बिनी के उनके एक माइनर एडिक्ट में है, अशोक के किसी भी शिलालेख में बौद्ध शब्द नहीं आया है। अब कोई राजा लुम्बिनी जाएगा, गौतम बुद्ध का बर्थ प्लेस है, तो वहां बौद्ध शब्द का प्रयोग क्यों नहीं करेगा? उस गांव को 10% छूट दिया राजस्व में, एक गांव को भी पूरा कर माफ नहीं किया अशोक ने, गौतम बुद्ध के जन्म स्थान एक गांव का भी टैक्स में एक मामूली छूट दिया, यह सब बौद्ध था? गौतम बुद्ध का भी भक्त होता था, इतने बड़े देश का सम्राट था, एक गांव का टैक्स माफ नहीं कर सकता था? गौतम बुद्ध ने कभी ब्राह्मण का विरोध नहीं किया। ये काशी के ही शुक्ला जी इंदिरा गांधी कला केंद्र में अभी नालंदा में गए हैं,
उनको मैंने सारा वो स्रोत की कैसे गौतम बुद्ध के समकालीन जो प्राचीनतम तीनों पिटक और अन्य साहित्य सब हैं वो आपको पाली लिपि में, मैंने स्वयं सॉफ्टवेयर भी बनाया है जिसमें ब्राह्मी लिपि में स्वतः लिप्यांतर हो जाएगा, बटन दबाइएगा पूरा जितना भी उत्तरी पिटक है सब देवनागरी में चला आएगा, और उसमें अधिकांश शब्द जो है वो पाठ एक नकली भाषा है, आजकल कहते कि वो अलग भाषा थी, वो भाषा नहीं थी, जिनको संस्कृत नहीं आती थी उन मूर्खों ने प्राकृत में कुछ संस्कृत ठूस कर एक कृत्रिम भाषा बनाई तो उसको पाली कहते हैं, वो कोई अलग भाषा नहीं थी। जैसे आजकल कुछ लोग हिंदी में कुछ फारसी शब्द ठूस कर उसको उर्दू भाषा का नाम दे दिए हैं, राम आम खाता है इसको उर्दू में भी राम आम खाता ही बोलेंगे, दोनों एक ही भाषा है, कोई अलग भाषा नहीं, व्याकरण एक है, सब कुछ एक है, केवल कुछ लिपि और शब्द थोड़ा बदल देंगे तो उसे भाषा अलग नहीं हो जाती है। संसार में एकमात्र भाषा ये उर्दू है जिसको दूसरे कारणों से, राजनीतिक और हिंदू विरोध के कारण से एक अलग भाषा का नाम दिया गया है, और वो पैदा हुई हैदराबाद में उर्दू, और वो राष्ट्रभाषा बन गई पाकिस्तान का, जहां आज भी हैदराबाद के निजाम रहते हैं, और उनके नौकर के बेटे डॉक्टर जाकिर हुसैन के जाकिर नगर में आज भी हमारे तबलीगी जमात के सो कॉल्ड फरार वो मुखिया रह रहे हैं। जेएनयू की स्थापना कम्युनिस्टों ने की, जेएनयू से हमारा वामपंथी इतिहास शुरू होता है ये सब पढ़ाया जा रहा है, ये भी झूठी बात है। जेएनयू की स्थापना 1969 के अंतिम मास में हुई थी, उस समय कम्युनिस्ट पार्टी के समर्थन पर कांग्रेस की सरकार बची थी, इंदिरा गांधी को 20 सीट घट रहे थे, सीपीआई को 24 थे, सीपीआई ने शर्तें दिया कि बैंक कलाकार का राष्ट्रखंड करेंगे तो हम समर्थन कर सकते हैं, तो नाम हुआ कि कम्युनिस्ट पार्टी का समर्थन मिला, इसलिए वो वामपंथी संस्था जेएनयू में गई। लेकिन अप्रैल में अंतिम मास था डॉक्टर जाकिर हुसैन का राष्ट्रपति भवन में, उनके कार्यालय में वो ड्राफ्ट तैयार हुआ था जेएनयू का, जाकिर हुसैन ने तैयार किया था। पहले वो अलीगढ़ में गए थे जामिया मिलिया खोलने के लिए, खोल भी दिए, सारे मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने उनको समझाया कि यहां तो पहले से एक अलीगढ़ है ही, आप दिल्ली में खोलिए, दिल्ली में ले गए। जब सत्ता हाथ में आई उनके एक दोस्त तो पहले से ही शिक्षा मंत्री थे 52 से, तो उन लोगों ने फिर बाद में जेएनयू का भी ड्राफ्ट बनवाया कि केवल हम मुसलमानों के लिए एक जामिया खोल देंगे, अलीगढ़ खोल देंगे, उससे कहा हिंदुओं को भी हमको ठीक करना है, मुसलमान नहीं बने तो कम से कम हिंदू विरोधी तो उनको हम बना दें। इसलिए जेएनयू की स्थापना भारत के जिहादियों ने, हैदराबाद निजाम के नौकरों ने की है, और नाम दिया है उस पर वामपंथ का। डांगे और भोगंजा को पता भी नहीं था जेएनयू ड्राफ्ट के बारे में, जो उस समय सर्वे सर्वा थे सीबीआई के, लोकसभा में मुखिया थे भोगन झा और राज्यसभा लोकसभा दोनों के मुखिया डांगे थे, उनकी जानकारी के बिना ये सब हुआ था कार्यंत्र, नाम हुआ सीपीआई का। और एक कम्युनिस्ट पार्टी के मामूली आदमी को कम्युनिस्ट पार्टी से इस्तीफा दिलाकर कांग्रेस में भेजा गया उसी समय, और उनको शिक्षा मंत्री बनाया गया, नूर हसन सीपीआई के मामूली मेंबर थे, कोई नेता होता नहीं थे। बहुत षड्यंत्र के तहत कम्युनिस्ट नेताओं को भी धोखा देकर यह सब हुआ था, और 77 में डांगे और भोगन सबको फिर हटा भी दिया गया पार्टी से, सारे मुख्य पदों से। और जो हमारे एम फारूकी साहब हैं कम्युनिस्ट पार्टी के नेता, जिहादी कहिए, हम इन सबको नस नस हम इन सबकी जानते हैं। आज एक राजीव बाले साहब हैं कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटारियट के मेंबर हैं, कम्युनिस्ट पार्टी की जो बौद्धिक ट्रेनिंग का एक स्कूल है गंगाधर अधिकारी शोध संस्थान है, फरीदाबाद में अब शिफ्ट हो गई है, वहां एक बार हम भी देश बदल कर चले गए थे पढ़ने के लिए, हमको पहचान गए वो लोग, बोले कि आप तो सब बचपन में पढ़े हैं वही, मैं भी उस समय 27-28 वर्ष का था। वहां राजीव बाले साहब से मैंने शास्त्रार्थ किया, फिर जो वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी के सीनियर के नेता उनसे मैंने शिकायत की कि इनको मार्क्सवाद नहीं आता है, हमको मौका दीजिए इनसे पब्लिकली शास्त्रार्थ करने का, आपके सेक्रेटारियट जितने मेंबर्स हैं सीपीआई के उनको बुलाइए, नहीं हम दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपके खिलाफ कि आप लोग मार्क्सवादी नहीं है हम शुरू कर देंगे हंगामा। शास्त्रार्थ हुआ था, राजेश्वर राव थे, एम फारूकी थे, होमी दाजी थे, सारे सेक्रेटारी के सीनियर लोग सब थे। राजीव पाले साहब फरीदाबाद छोड़कर भाग गए, कई दिन अज्ञातवास में रहे हमसे छुपकर, बाद में वो मेरे आवास पर गए कि हम तो आपके समर्थक है, मैंने कहा इससे मेरा सामना नहीं, बहस किस बात पर हुआ था, ये वामपंथ में मार्क्सवादी नहीं है, मेरा यही कहने का उद्देश्य है। उन्होंने क्लास में पढ़ाया था कि हाल के वैज्ञानिक शोधों में यह सिद्ध हो गया है कि मस्तिष्क में जैसी रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं वैसे ही विचार उत्पन्न होते हैं,
मैंने कहा यह मासवाद नहीं है, इसको काल मास ने भी भौंडा भौतिकवाद कहा था, भलगर मटेरियलिज्म। रामशरण शर्मा की अपनी एक पुस्तक है फॉर्मेशन ऑफ मटेरियल कल्चर, उन्हें साफ साफ लिखा है कि मैं भलगर मटेरियलिस्ट हूं, अर्थात वो अपने को कम्युनिस्ट और मार्क्सवादी नहीं कहते हैं, वो हम लोग हैं जो उनको कम्युनिस्ट कह देते हैं, मार्क्सवादी कह देते हैं। ये भलगर मटेरियलिज्म कहां से आया है, तो गॉर्डन चाइल्ड से, व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री जो उनकी किताब है जिसमें उन्होंने भारत को गालियां दी है कि ये गंदी नाली है ये देश। ये सब केवल बाहर का लेवल है, भीतर ब्रिटिश उपनिवेशवाद है, मैकॉलेवाद है। किसी देश का इतिहास क्या है, तो किसी व्यक्ति को पहचानने के लिए हमें उसके पहले जाना पड़ता है, ये आदमी क्या है, कहां से आया है, उसका इतिहास यदि हम बिल्कुल नहीं जानेंगे तो उसको पहचान नहीं पाएंगे। इतिहास पूरे समाज पूरे देश संस्कृति का परिचय पत्र है, पहचान पत्र है। किसी देश के इतिहास को विकृत करने का अर्थ है कि हम उस पूरी सभ्यता को हम अफीम पिला रहे हैं, वो अपनी अस्मिता अपनी पहचान खो रहा है, वही षड्यंत्र है, इतिहास के साथ ये मजाक हो रहा है। मुझे बचपन में छठी क्लास में पढ़ाया गया कि बीती हुई कहानी को इतिहास कहते हैं, जब बाद में कुछ अकल आई तब मैंने स्वयं उसकी परिभाषा लिखी, जो बीत गई वह बात गई, गड़े मुर्दे को उखाड़ना इतिहास नहीं है। हम आज हमारे भीतर जो कुछ बचा हुआ है वो हमारा इतिहास है, जो मर गया वो इतिहास नहीं है। आज भी हमारे भीतर इच्छुआकू बचे हैं, मनु बचे हैं, मनुस्मृति बची है, सारे पुराण वेद व्यास ये सब बचे हुए हैं, ये देश मरा नहीं है, मेरे डीएनए में सब बचा है, हमारे गांव के जो मूर्ख चरवाहे हैं उनमें भी वो सब बचा हुआ है, अब वो मिटने वाला नहीं है। तो इतिहास को मिटाने का ये प्रयास आज से नहीं हो रहा है। सिकंदर गया मिस्र में, वहां के पुस्तकालय को पहले जलाया, फारस में वही किया, मोहम्मद साहब भी वही किए, जहां जाते थे पहले वहां के रिलीजन, वहां के बड़े बड़े विद्वान पुस्तकालय वही धावा करते थे। ये सुनियोजित से षड्यंत्र होता आया है, ये केवल कम्युनिस्टों ने आरंभ नहीं किया है। किसी भी देश पर कब्जा करना है तो पहले उसके दिमाग का सफाया कर दो। एक जगह संघ की ही एक गोष्ठी थी सासाराम में, राष्ट्र और धर्म पर मुझे बोलना था, मैंने कहा कि चार वर्ण हैं, एक सिर से निकला, एक भुजा से, पेट और हाथ पांव ये सब, मैं केवल उसमें सिर को दोष देता हूं, ब्राह्मण एकमात्र दोषी है हमारे समाज में, क्योंकि ये सिर है। हाथ पांव पेट खराब हो जाए तो उसे हम ठीक करा सकते हैं, उपचार करा देंगे, यदि माथा खराब हो जाए तो आदमी स्वयं पागलखाने भी नहीं जा सकता है। तो यहां ब्राह्मण केवल वर्ण से लीजिए, जाति जाति से नहीं। जो बुद्धिजीवी वर्ग है जिसका काम है समाज का चिंतन करना, उसी के माथे में ये वामपंथी अफीम भरी जा रही है, उसके माध्यम से पूरे देश को बहकाया जा रहा है। मंत्र कुछ कहता है, हमें पढ़ाया कुछ और जा रहा है। अभी जो मैंने मंत्र का हिरणमयन पात्रे सत्यस अपिहितम मुखम, सत्य का मुख को ढांप रखा है इस माया के भौतिकवादी संसार ने, जो ऐन्द्रिक सुख देने वाली जो भौतिक जगत है उसके कारण से हम वास्तविक सत्य की ओर नहीं देख पाते हैं। वो सत्य क्या है, यो असो आदित्य पुरुष असो असो अहम, जो पुरुष उस आदित्य में है वही पुरुष मैं हूं, ये अद्वैत वेदांत है और ये आयुर्वेद का अंतिम मंत्र है, इसलिए इस दर्शन को वेदांत दर्शन कहते हैं। ये हमारे वेदांत के विभागों में भी नहीं बताया जाता है कि ये शब्द की व्युत्पत्ति वेद से ही हुई है। वेदांत कोई उत्तर वैदिक कालीन दर्शन है जैसा कि मैक्समुर के चलिए पढ़ाते हैं, ये बात झूठी है। वैदिक दर्शन ही वेदांत दर्शन है, अद्वैत है। उसके बाद ओम खम ब्रह्म, ब्रह्म क्या है तो खम, खम का अर्थ होता है शून्य और खम का अर्थ है आकाश। गौतम बुद्ध भी उसी वैदिक दर्शन को मानते थे शून्य, इसे बाद में नागसेन ने जो महायान के संस्थापक ने कहा कि शून्यवाद आत्मा होता ही नहीं है, शून्यवाद का ये गलत परिभाषा बना दिया, जबकि शून्य तो वेद में है। कहते आर्यभट्ट ने शून्य खोजा, तो वेद में जो दशमलव पद्धति की संख्या है सहस्र सच इत्यादि, सहस्र सब तो लड्डू बिठाते हैं एक पर, तब न वो संख्याएं बनती है, दस सौ विवाह मंत्र में है, दस दशाश्याम पुत्रा नाम थे ही पति में कहा दशम कृति। एक राजेंद्र यादव है वामपंथी साहित्यकार थे जो हंस पत्रिका दोबारा शुरू की है, इतना गंदा अर्थ इसका दिए थे कि वैदिक लोग जो शादी करते थे तो ग्यारहवें पुत्र से फिर उसकी मां शादी करती थी, ये इस मंत्र का अर्थ है। दशाश्याम पुत्रा नाम थे ही पति एकादशम कृति, अंतिम मंडल के छियासीवें सूत्र में है, निर्दा विवाह मंत्रा में ये मंत्र आया है, आज भी इसका प्रयोग होता है विवाह में। उनको मैंने उत्तर दिया था कि ग्यारह पुत्र पैदा नहीं हुए हैं, पुत्र दस ही पैदा हुए हैं,
ग्यारहवें पुत्र से शादी का सवाल कहां उठता है? मंत्र का अर्थ यह है कि 10 पुत्र पैदा करो लेकिन पति को 11वां पुत्र मानकर सबसे अधिक उसकी सेवा करो। मंत्र कुछ कह रहा है, ये अर्थ कुछ और निकाल रहे हैं, इनको गाली पढ़नी है, केवल समझाने के बाद भी नहीं समझेंगे, मन में दुष्टता भरी है। इस दुष्टता का उपचार समझाने से नहीं होगा। स्वभाव की बात है कि अब पाठ्य पुस्तक, मीडिया, इस सब पर जो इनका नियंत्रण रहा है 200 वर्षों से, उसके विकल्प में हमको एक सोशल मीडिया मिल गया है। अभी उसके मालिक सारी विदेशी कंपनियां हैं, भारत में अभी कुछ प्रयास तो हुए हैं, लेकिन जैसे कि फेसबुक है, उसका कोई विकल्प बन नहीं पाया है, क्योंकि हमारी सरकार लापरवाह है, किसी भी पार्टी की सरकार हो, गलत कारणों से ट्विटर और फेसबुक, जब हमारे सरकार, हमारे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तक की भी माखोल उड़ा सकते हैं, तो हम आप किस खेत की मूली हैं? कार्रवाई नहीं करती है। चीन की सरकार झट कार्रवाई करती है। माइक्रोसॉफ्ट को चीन ने बैन कर दिया था, तब उसने 128 बिट का विंडोज चीन को दिया, हमको नहीं दिया। भारत में अभी भी वो 64 बिट का आता है, जिसका सिक्योरिटी कोड वो लोग झट से तोड़ सकते हैं, हमारा सारा डाटा ले सकते हैं, हमारी सरकार नहीं सुनती है। सैम पैट्रोटा, जो सोनिया गांधी के परम प्रिय शिष्य कहिए कि क्या कहिए, वो इटालियन माफिया के सब मेंबर, सब इटली ने माफिया को भगा दिया, सब यहां पर चले आए हैं। उन्होंने राजीव गांधी को तो अपनी खोपड़ी थी नहीं, नहीं तो उससे शादी ही नहीं करते। तो नहीं, ये मैं सही कह रहा हूं, इसलिए इंदिरा गांधी ने उसको बेदखल कर दिया था, छोटे बेटे को वारिस बना दिया था, इसलिए अपने पायलट दोस्त सतीश शर्मा के माध्यम से संजय गांधी की हत्या करवाई गई थी। ये सब ज्ञात तथ्य है, लेकिन इंदिरा गांधी ने मामले को दबा दिया कि एक ही बेटा बचा है, क्या करेंगे। उनकी भी हत्या उसी माफिया ने की थी। तो सैम पैट्रोटा के थ्रू हमारे देश में कंप्यूटर रेवोल्यूशन आरंभ किया गया। राजीव गांधी ने कंप्यूटर की खोज की थी इस देश में, खुद नहीं आता था, कभी छुए नहीं थे कंप्यूटर। पहला काम क्या किया, तो भारतीय लिपियों को मिटाने के लिए, कोई भारतीय यदि अंग्रेजी नहीं जानता हो किंतु तमिल, मराठी, हिंदी, बंगला में यदि टाइप करना चाहे तो उसे विवश किया जाए कि रोमन लिपि का ही प्रयोग करें। तो 150 वर्षों से जो रेमिंगटन गोदरेज का जो टाइपराइटर का कीबोर्ड था उसे बदल दिया। आज आपको कंप्यूटर में ऐसा वो कीबोर्ड मिलेगा ही नहीं। आज भी देश के 99% जो पेशेवर टाइपिस्ट हैं, जो अदालत में या कहीं भी बाजार में टाइपिंग करते हैं, वो रेमिंगटन कीबोर्ड, रेमिंगटन या गोदरेज प्राइवेट कंपनियां थी, उनको तो मुनाफे से मतलब था। तो मनुष्य की जो उंगलियां हैं उनमें किस उंगली में कितनी फुर्ती है, और देवनागरी के जो स्वर व्यंजन सब है उसमें किसका कितना फ्रीक्वेंसी है, उसके अनुसार वो कीबोर्ड बना था, ताकि आदमी तेजी से टाइप कर सके, ताकि उसका वो सामान बिके बाजार में, उस कंपनी को अपना सामान बेचना था। तो बहुत अच्छा कीबोर्ड था। उस कीबोर्ड को नष्ट करने के प्रयास 150 वर्ष में 150 बार हुए थे, लेकिन नहीं चले। लेकिन कंप्यूटर में तो सारी कंपनियां विदेश की हैं, सरकार भी विदेश की थी, इटली की सरकार है, कंपनियां अमेरिका की हैं, हमारी कौन सुनेगा। सारी भारतीय लिपियों के साथ खिलवाड़ हो गया, आज तक वही चालू है। मैंने वर्तमान सरकार में भी कुछ जो हमारे परिचित थे उनको कहा, कहा हाँ बाद में इस पर देखेंगे, उनके लिए बात महत्वपूर्ण नहीं है। मैंने उसमें मुझे स्वयं टाइप करने में दिक्कत होती थी, मैंने बचपन में टाइपिंग सीखी थी, कंप्यूटर पर सारे कीबोर्ड बदले हुए थे, एक ही आदमी दो कीबोर्ड कैसे सीखे। भारतीय लिपियों को मिटा देंगे, भाषाओं को मिटा देंगे, पाठ्य पुस्तक में पूरा डाल देंगे, हमको लिखने नहीं देंगे। मैंने स्वयं तब एक अपना टाइपिंग इंस्ट्रूमेंट बनाया, लेखपट, देवनागरी टाइप करने के लिए, उसमें मैंने ब्राह्मी से लेकर सारी भारतीय लिपियां डाल दी, फोन का भी एंड्रॉइड ऐप बना दिया कि आपको यदि अशोक की ब्राह्मी लिपि नहीं भी आती है, देवनागरी वर्णमाला का बटन दबाइए, अपने आप ब्राह्मी टाइप होती जाएगी, स्वयं सीख भी लीजिएगा, 750 संयुक्ताक्षर अपने आप ऑटोमेटिक बनते चले जाएंगे। आपके पास हलंद मारकर गुजराती, तमिल, मिथिलाक्षर, हिंदी, देवनागरी, ब्राह्मी कोई भी लिपि, केवल कीबोर्ड देवनागरी का रहेगा, उसमें वर्णमाला के क्रम से रहेगा। लेकिन अब हम विज्ञापन देंगे वो तो संभव नहीं है, बहुत कम लोग उसका प्रयोग करते हैं, हर जगह ये खड्यंत मैं देख रहा हूं कि हमारी भाषा, हमारी लिपि, हमारी संस्कृति, हमारे ग्रंथ, हमारे यहां भी आप आसाम और चटगांव से लेकर काबुल तक देखिए, एक भी पुराना मंदिर नहीं मिलेगा। केवल हिंदू पर ही नहीं, हिंदू शब्द की व्याख्या संविधान में है कि इस देश में उत्पन्न सारे रिलीजन हिंदू हैं,
1993 में सुप्रीम कोर्ट ने उसकी गलत व्याख्या की। मैं सुप्रीम कोर्ट के विरोध में बोल रहा हूँ, मुझे जेल में डाल दे, देख लूंगा सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि संविधान ऊपर है, सुप्रीम कोर्ट ऊपर नहीं है। संविधान में साफ लिखा है इस देश में उत्पन्न सारे रिलीजन हिंदू हैं। संविधान ने व्याख्या की है कि इस देश में जो पैदा हुए वो हिंदू हुए, हिंदू एक वे ऑफ लाइफ है, रिलीजन नहीं है। ये संविधान के विरोध में फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और इस कारण हमारे मोहन भागवत जी भी अब सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार बोलने के लिए विवश हो गए। लेकिन ये गलत है, ये असंविधान, संविधान के अनुसार भारत एक हिंदू राष्ट्र है, पहले से है। जो लोग संविधान नहीं पढ़े वो कहते हैं इसे हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। इस देश में उत्पन्न कोई नास्तिक, कोई कम्युनिस्ट, कोई मुसलमान, कोई यहूदी, ईसाई, हिंदू नहीं है। लेकिन जितने रिलीजन है इस देश में, जो इस देश में पैदा हुए हैं, बौद्ध, जैन, सिख और सनातन, ये सब हिंदू हैं। वो संविधान में ये सब बात किसने दी थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पटेल जी ने। नेहरू जी नहीं चाहते थे, लेकिन कब्जा था उस समय पटेल और राजेंद्र प्रसाद जी का पार्टी पर, संविधान सभा पर भी। और गांधी जी भी भीतर से उतने बुरे नहीं थे, उनकी चलती नहीं थी। उनका 1909 में लिखा हुआ हिंद स्वराज पढ़िए, एक भी बात आप काट नहीं पाइएगा। लेकिन उन्होंने लिख दिया था कि मेरा जो ये विचारधारा है वो लागू नहीं हो पाएगा, ये भी लिख दिया था उन्होंने। वो जानते थे कि ये हो नहीं पाएगा, जो उनको पसंद नहीं था, इसलिए वो बार बार कांग्रेस छोड़ते भी थे, कई बार भागे। 1923 के बाद 6 साल तक भी वनवास में रहे थे। उसी जवाहरलाल के बाप ने उनकी राजनीति की मिट्टी पलीद कर दी थी अपनी स्वराज पार्टी बनाकर 1924 में। तो बाप के खिलाफ ही नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाकर फोड़ लिया। उसी शोक में मोतीलाल जी मर गए कि बेटा को ले गए ये किडनैप करके। आचार्य जी कुछ प्रश्न थे। उस कांग्रेस में भी वामपंथ बहुत तगड़ा था, जिसे हम कम्युनिस्ट कहते हैं। सुभाष चंद्र बोस भी एक मार्क्सवादी थे, उनका फॉरवर्ड ब्लॉक उसी मोर्चे में है, आज भी वाम मोर्चे में है। ये कम्युनिस्ट केवल सीपीआई में, सीपीएम में नहीं है, कांग्रेस में है। सुभाष चंद्र बसु अध्यक्ष बन गए थे उन्हीं वामपंथियों के सहयोग से। लेकिन भगत सिंह भी वामपंथी थे, सुभाष भी थे, लेकिन कभी भी उनका किसी दक्षिणपंथी से झगड़ा नहीं हुआ, क्योंकि वो लोग वामपंथी या दक्षिणपंथी बाद में थे। सावरकर भी दक्षिणपंथी बाद में थे, पहले वो लोग राष्ट्रभक्त थे। तो जानते थे कि हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है, उससे लड़ने के लिए वो वाम हो दक्षिण हो सबको एकजुट करने का प्रयास करते थे। आचार्य जी समय की थोड़ी सी मर्यादा है और कुछ प्रश्न भी हमें लेने हैं, तो समराइज। अब मैं 2 मिनट के बाद और लूंगा। तो जो षड्यंत्र चल रहा है वो असल में मैकौलेवाद का षड्यंत्र है। एडम रिपोर्ट है उनकी बंगाल प्रांत की, नेट पर फ्री में मिल जाएगी, देख लीजिए। उस विशाल बंगाल प्रांत जिसमें बिहार भी था, 1 लाख गुरुकुल थे, लड़कों में 100% लिटरेसी थी। साफ लिखा मैकौले ने वो सर्वे कराया था, मैकौले के सर्वे में ये लिखा हुआ है कि लड़कियों में लिटरेसी की संख्या ठीक ठीक ज्ञात नहीं हो सकी है, लड़कों में 100% लिटरेसी थी। और दिनाजपुर, रंगपुर जो आज बांग्लादेश में है, वहां के मुस्लिम बहुल इलाकों में भी 90% शिक्षक ब्राह्मण है, 10% कायस्थ है, मौलवी केवल नमाज पढ़ाना सिखाते हैं, शिक्षा नहीं देते हैं। ये मैकौले की रिपोर्ट में है कि मुसलमानों को भी ब्राह्मण पढ़ाते थे, और 100% साक्षरता मुसलमानों में भी थी ब्राह्मणों के कारण से। इसलिए उन सारे गुरुकुलों को बंबई, मद्रास, सारी प्रेसिडेंसियों में अलग अलग सर्वेक्षण हुआ था। मैंने केवल बंगाल का सर्वेक्षण पढ़ा है, लेकिन बाकी सबका भी लगभग वैसा ही रिपोर्ट था, ये मुझे पता है, उनका सारांश मैंने पढ़ा था। 25 वर्ष तक सारे गुरुकुलों को बंद कराकर एक पीढ़ी में इस पूरे देश को मूर्ख बना दिया। जहां 100% लिटरेसी हो उसे हम गुलाम कैसे बनाएंगे, पहले पूरा मूर्ख बनाओ। यहां तो ब्रिटेन से भी अधिक साक्षरता है। तो संजोग से हम जीत गए हैं, सत्ता हो गई है, लेकिन उसे परमानेंट कैसे बनाएंगे, ये आप सब जानते हैं, ये सब बात आप लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन उस रिपोर्ट को प्रकाश में लाइए, उसका अनुवाद करके प्रचारित कीजिए, बहुत को नहीं पता है कि उस रिपोर्ट में क्या लिखा है। अब वो आ चुका है, नेट पर उपलब्ध है, उसका हिंदी अनुवाद करके प्रकाशित कीजिए, लोगों को बताइए। ये लोग झूठ कहते हैं कि ब्राह्मण पढ़ने नहीं देते थे, वो तो मुसलमानों को भी पढ़ाते थे, सबको पढ़ाते थे, जो हमारे मंदिर तोड़ते थे हम उनको भी पढ़ाते थे। और तब हमें कहते हैं कि ये लोग आतंकवादी हैं, भगवावादी हैं, फल्लावादी हैं। अरे सच्चे कम्युनिस्ट तो हम लोग हैं, वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा को एक मानने वाले हैं। साम्यवाद का दर्शन क्या है, गायत्री मंत्र क्या है, उसमें कहा है कि महिला को और शूद्र को बुद्धि मत दीजिए, हे भगवान सबको बुद्धि दीजिए, मुझे दीजिए, ये नहीं है गायत्री में, यो यो नह नह माने हम लोग, हम लोगों को बुद्धि दीजिए।
जो सबको बुद्धि देने का मंत्र है, कहते महिलाएं नहीं पढ़ सकती हैं। भाई महिलाएं तो ऋषिकाएं थी। आज बहुत ऐसे ब्राह्मण हैं जो यज्ञ में गोमांस का समर्थन करते हैं, कहते समुद्र यात्रा मत करो। तब तो हनुमान जी और सुग्रीव के सारे दूत जितने गए थे वो सबको तब सनातन धर्म से बहिष्कृत कर दो। तब तो वाल्मीकि जी ने क्यों समुद्र यात्रा कराई? तो हमें बहुत ये संशोधन करना है, हमारे पुराणों में गलत बातें जोड़ी गई हैं। ये वामपंथी षड्यंत्र है, बाममार्गी आज से नहीं हो रहा है। तो हम उनको जो हथियार दे रहे हैं कम्युनिस्टों को या मैकौले के चेलों को, वो तो हमने ही वो हथियार दिया है अपने पुराणों में गंदी बातें जोड़कर। इस इंद्र को क्रिय में कहा गया इंद्र से, इंद्र भीतर जो साक्षी भाव से देखने वाला दृष्टा है उसी को इंद्र कहते हैं, उसे पुराणों में एक लंपट देवता बना दिया। प्रसिद्ध अंश वेद से मेल नहीं खाता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में है कि श्री कृष्ण 16 वर्ष की अवस्था में मथुरा पहली बार गए तो कुब्जा के साथ सारी रात वेश्या आवृत्ति किए। भागवत पुराण में है कि वो कुब्जा के पास गए और उसे मोक्ष मार्ग पर ले आए। दोनों पुराणों में मतभेद है। हम भागवत को वरीयता देंगे या उस ब्रह्म वैवर्त के लंपट उस पंडित को जिसने उसने प्रसिद्ध अंश जोड़ दिया? महाभारत में है कि महिकासुर का वध स्कंद कुमार ने किया, उसी महाभारत में है कि दुर्गा जी ने किया। इस पर कोई काम नहीं चल रहा है। आप लोग इस काम को कीजिए। पुराणों में जितनी गंदगी हमारे वाम मार्गियों ने जोड़ी है, जिसे आज वामपंथी प्रयोग में ला रहे हैं हमें गरियाने के लिए, उस पर संशोधन कीजिए कि कहां कहां प्रचलित अंश है, कौन हमारा मूल पुराण है। वेद में कहा गया है आचरण कैसे करें, तो पुराण वक्त पुराण वेद में भी थे और वेद में इक्ष्वाकु का है वर्णन, काशी के राजा दिवोदास का वर्णन है ऋग्वेद में, पंजाब के किसी गांव शहर का नाम नहीं है ऋग्वेद में। कहते हैं आज पंजाब से आए, पश्चिम से आए। मिथिला के राजपुरोहित गौतम ऋषि का स्वराज स्तुति है, मिथिला राज्य के वो राजपुरोहित थे और वो इसी पूर्वांचल से गए थे मिथिला में। दिवोदास के पुत्र प्रतरदंग स्वयं एक ऋषि थे ऋग्वेद के दसवें मंडल में, जिसमें उनको काशी राज शब्द का प्रयोग है। ऋग्वेद में काशी शब्द आया है, काशी का राज। तो ये काशी ऋग्वेद काल की है। और वो दिवोदास कौन थे? तो दशरथ जी की पत्नी सुमित्रा के छोटे भाई थे। तो वेद में इतिहास है या नहीं, वो एक बहस का दूसरा मुद्दा है। इस ढंग से हम सही तथ्यों को लाएं, गलत बातें जो साक्ष्य बनाकर दी जाती हैं उनसे लड़ें। वामपंथियों के औकात नहीं है। रोमिला थापर को संस्कृत नहीं आती है, उसके पीएचडी पर एक कोर्ट में केस ठोकिए ना। उसने कैसे कहा कि ये फलना का ये ऐसा अर्थ है, संस्कृत साहित्य को प्रमाण बनाकर जो अपना अर्थ जो दे रही हैं। रामशरण शर्मा भाषा वैज्ञानिक बनकर उसमें फ्रेंच और जर्मन भाषाओं के शब्द का भी प्रयोग करते हैं अपनी पुस्तक में, किसी को उद्धृत नहीं करते हैं कि ये फलना भाषाविद का मत है। उन्होंने कब भाषा विज्ञान पढ़ा? ये सब पाखंडी चोर उचक्के सब हैं, मूर्ख सब हैं। इसलिए उनसे लड़ना कठिन नहीं है, केवल तरीका सही होनी चाहिए। कन्हैया कुमार की अपनी थीसिस फर्जी है। एक प्रतिबंधित मैगजीन में उसकी पीएचडी की थीसिस का वो सारांश छपा था, जिसको उसको डिग्री मिली थी। उस पर हंगामा हुआ था, लेकिन वो सारे प्रोफेसर सब एक ही गिरोह के हैं जेएनयू में, दबा दिया बात को। उस मामले को कोर्ट में ले जाइए, चाहे सरकार से अपील कीजिए कि उसकी पहले थीसिस तो कैंसिल करवाइए, गलत थीसिस है। सोनिया गांधी के बारे में शोभन स्वामी ने लिख दिया कि वो मैट्रिक पास से झूठ कहती है कि हम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़े। मैंने स्वामी जी को संदेश भेजा है कि जिस स्कूल से उसने मैट्रिक पास की है वहां केवल पांचवी तक पढ़ाई होती है। उस स्कूल का मैंने वेबलिंक भेज दिया, उसके गांव का वो कैथोलिक चर्च का मिशनरी स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है। तब उन्होंने अपने पोस्ट को सुधारा। इस पर पब्लिक का केस क्यों ठोक रहे हैं आप लोग? सीमा का ख्याल रखते हुए, इसलिए ये गोष्ठी सम्मेलन, मैंने गोविंद शर्मा से भी कहा था कि गोष्ठियों में मेरी रुचि नहीं है, हम नहीं आते हैं। नागिन बाबू बैठे हैं, 10 साल पहले मैंने इनके सामने कहा था कि मैं गोष्ठियों में अब नहीं जाऊंगा। कुछ नहीं होता है रिजल्ट, मुकदमा कीजिए। ये लोग 7 साल तक गोष्ठी से नहीं सुधरेंगे, इनको अदालत में घसीटिए, प्रमाण मैं दूंगा। सारा भाषा विज्ञान झूठ का पुलिंदा है। मेरे पास 20 साल के सारे प्रमाण इकट्ठे करके रखे हुए हैं। मैक्स मुलर महामूर्ख था, उसके बारे में कहा जाता है कि लाइपजिग से डिग्री ली, लाइपजिग यूनिवर्सिटी का सार मैंने खगाला, कहीं उसका नाम नहीं है। उसने कभी पीएचडी नहीं की थी, वो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक मामूली नौकर था, उसको मालिकों ने जो हुक्म दिया सो किया। इन सारे मूर्खों को हमारे ऊपर थोप दिया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर मैट्रिक फेल, यूनिवर्सिटी खोल ली। महात्मा गांधी थर्ड डिवीजन, जवाहरलाल नेहरू थर्ड डिवीजन, सुभाष बसु टॉपर थे तो भगा दिया। इन सारे मूर्खों ने हमको मूर्ख बनाया है। इन कितनी शर्म की बात है
इस देश में कुछ मुट्ठी भर मूर्खों ने संविधान के साथ मजाक कर लिया, संविधान में गलत बात नहीं भी जोड़ पाए, फिर भी उसकी गलत व्याख्या करते हैं, पूरे देश को उल्लू बना रहे हैं, और बड़े बड़े विद्वान बुद्धिजीवी बैठकर यहाँ गोष्ठी करते हैं, उसके बाद फिर जाकर घर में सो जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं। इसलिए गोष्ठी भी कीजिए, लेकिन केवल गोष्ठी तोष्ठी से नहीं होगा। जो शाम से सुधर जाए वो सात्विक संस्कार का व्यक्ति होता है, उसके समझदारी में कुछ दोष हो उसे आप शाम से समझा सकते हैं। जो लोभी है, राशि संस्कार का है, उसे आप दाम से समझा सकते हैं। लेकिन जो दुष्ट है, जानबूझकर बदमाशी करता है, उसके लिए दंड खेत है। वो न शाम से सुधरेगा और न दाम से सुधरेगा। ये हमारी प्राचीन धर्मशास्त्र की नीति है। राम जी ने भी रावण को बहुत समझाया। भगवान कृष्ण जब आए तो वह पिछली बार तो हम दूध को भेजे थे रावण को समझाने के लिए, नहीं मान, इस बार हम खुद जाते हैं। तो भगवान की बात भी नहीं सुना, तो समझाने से ये लोग नहीं सुधरते हैं। जब श्री कृष्ण को पता था कि वो नहीं मानेगा, लेकिन फिर भी अपना जो उनका मेथड है, ये चारों साम दाम दंड भेद, उसका प्रयोग नहीं करेंगे, सीधे दंडे से शुरू कर देंगे, तो एक परंपरा खराब बन जाएगी भविष्य में। इसलिए वो अपना पूरा विधि का प्रयोग किए, लेकिन साम और दाम से काम नहीं चलेगा। डालमिया जी एक अच्छे सेठ बच गए थे, बाकी को तो अंग्रेजों ने मार दिया था, जो भी अच्छे सेठ हमारे देश में थे। डालमिया का काम नेहरू जी ने तमाम कर दिया। एक सेठ से मैंने हाल ही पूछा था, बनारस का ही एक मारवाड़ी सेठ है, मैंने कहा कि ये वित्तीय घोटाले में क्या आजीवन कारावास होता है, मरते दम तक जेल? तो बोले कि नहीं, कुछ नहीं होता है, सारे सेठ घोटाला करते हैं, किसी को कुछ नहीं होता है, केवल डालमिया को होता है, क्योंकि वो गोहत्या का विरोध किए थे। हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि सरकार का दायित्व है कि दूध देने वाले पशु की हत्या पर पाबंदी लगाए। तो आप कोर्ट में केस कर सकते हैं कि सरकारी होटलों में तब गोमांस क्यों होता है, जब सरकार के लिए वो निर्देश है, तो प्राइवेट बुचर खाने पर बाद में, पहले सरकारी होटलों पर तो आप केस कीजिए, मुकदमा कीजिए। मैंने पटना हाईकोर्ट में मुकदमा ठोका था, यहां ज्योतिष के विभाग अध्यक्ष जी बैठे हैं, इनको सब पता है कि दरभंगा में विभाग अध्यक्ष पर मैंने मुकदमा किया था कि इनको ज्योतिष का फिक्र नहीं आता है, और वो किस हार गए थे, उनको हटना पड़ा था अपने पद से, जबकि एकेडमिक मामला कोर्ट नहीं लेती है सामान्यतः। इसलिए आप सब लोगों से आग्रह है, मुकदमा कीजिए, सारा सबूत, कमी नहीं है सबूतों की, आपके पास भी है, मेरे पास भी बहुत सारे सबूत हैं। इसलिए गोष्ठी से आगे बढ़िए, अब लड़ने का समय है, हिंसा का सहारा मत लीजिए, और कमलेश तिवारी वाली गलती मत कीजिए, ऐसी भाषा का प्रयोग मत कीजिए कि आप पर कोई कार्रवाई हो, चाहे गैर कानूनी कार्रवाई हो या कानूनी कार्रवाई हो, समझदारी से लड़ना है। कुरान शरीफ भी पढ़ाइए, उसमें क्या क्या महान बात सब है, काफिरों के साथ कैसा शांति वाला बर्ताव करना चाहिए, वो सब भी उसका अनुवाद पढ़ा दीजिए, अपना मत मत दीजिए, कि उसका अनुवाद कर दीजिए कि मोहम्मद साहब जो है वो आयशा के साथ कैसे नमाज पढ़ते थे कपड़ा खोलकर, सब लिखा हुआ है। मैंने इंग्लैंड की किताब का फोटो कॉपी डाल दिया फेसबुक पर कि मेरा मत नहीं है, वो फलां लेखक ने ऐसा लिखा है कि वो ऐसे नमाज पढ़ते थे, बताइए लोगों को। और अब मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं, अंत में केवल एक बात कहता हूं कि सलमान रशदी ने जो सैतानिक वर्ष पर लिख दिया, उतना हंगामा मचा, लेकिन वो तो मोहम्मद साहब को खुद शैतान ने बहकाया था, बाद में हटा दिया। वो कौन सी आयते थी? तो दुर्गा देवी की सिंह पर सवार प्रतिमा, उसे काबा के बगल में, उसे तो मोहम्मद साहब ने तोड़ दिया, लेकिन उसी की कॉपी बहुत सारी मिली है, 2000-3400 BC की भी बगदाद में, इसराइल में, सबका फोटो मैंने फेसबुक पर डाल दिया है। तीनों जो हमारे महानतम देव हैं, त्रिलिंग हैं, उसको के तो एक महानतम एक ब्रह्म है, वो निराकार है, ईश्वर की मूर्ति नहीं होती है, ब्रह्म की मूर्ति नहीं होती है, इस मूर्त संसार में उनके तीन स्वरूप हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, वो कह के तीन लिंग है, इसी को त्रिकलिंगाना कहा गया है मेगास्थनीज की इंडिका में। वो कलिंग उड़ीसा का एक छोटा सा राज्य नहीं था, उत्तर कलिंग, मध्य कलिंग, दक्षिण कलिंग, तीन कलिंग थे, जिसको अशोक ने नष्ट किया था, चाणक्य ने वो महासंघ बनाया था भारत की रक्षा के लिए, उस संघ को कलिंग संघ कहते थे। इंडिका पढ़िए फिर से, सारे प्रमाण है, हमारे व्यास जी झूठे थे तो कम से कम मेगास्थनीज को तो सही मानिए, तो प्रमाणों की कमी नहीं है, उठाइए और केस कीजिए, लड़िए, इन सबकी डिग्री कैंसिल करवाइए, सबूतों की कमी नहीं है, एक भी वामपंथी कम्युनिस्ट को संस्कृत नहीं आती है, एकाध को आती थी, टांगे को आती थी, 13 साल जेल में बंद थे यरवदा जेल में, उन्होंने किताब लिखी थी इंडिया ट्रांजिशन फ्रॉम प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी, उसमें कई बड़ी बड़ी गलतियां थी, जिस पर कोसाम्बी भी वामपंथी, उन्होंने हमला किया था डांगे पर, डांगे गलती मान लिए थे,
किंतु उसमें अच्छी बात भी थी कि हमारे 14 चक्रवर्ती सम्राटों ने यूरोप पर कब्जा किया था, ये डांगे ने लिखा था। वो भी तो कम्युनिस्ट थे। तो कम्युनिस्टों ने यदि कोई कहीं अच्छी बात लिखता है तो उसको हम दबा देते हैं, उसे नहीं मानते हैं। हमारा सतयुग साम्यवाद का युग था। मोदी जी ने हाल में ऋग्वेद की अंतिम मंडल की कुछ पढ़ी है कि हमारे मन समान हो, हमारे वाक समान हो, हम एक साथ मिलकर सब यज्ञ करें। यही तो साम्यवाद का दर्शन है। साम्यवाद ये तो नहीं कहता कि वर्ग संघर्ष करा दो, समाज में अमीर गरीब में खून खराबा करा दो, ये साम्यवाद नहीं है। वसुधैव कुटुंबकम है साम्यवाद। जो वास्तविक साम्यवाद है वो हमारे वेद में है, उसे सामने लाइए। इन कम्युनिस्टों में मार्क्सवाद नहीं है। मैं दावे से कहता हूं कि सीताराम येचुरी ने कभी दास कैपिटल नहीं पढ़ी है। और अभी जो डी राजा हैं वो तो और भी बड़े मूर्ख हैं, रोज केवल दारू मुर्गा खाते हैं। मैंने कम्युनिस्ट पार्टी एक नेता से शिकायत की थी कहा कि उसका तो खानदानी पैसा, उसका बाप भी वही करता था। ये लोग न मार्क्सवादी है न कुछ अवसरवादी सब। इनको पाकिस्तान से पैसा आए तो उसका गीत गाएंगे, देश के टुकड़े करेंगे। इसलिए समझाने का समय गया, अब लड़ने का समय है। उठो पार्थ ब्रह्मो संभालो, कर दो सरसंधान, गोरी गजनी हक्कानी का कर दो काम तमाम। अब उसका समय है लेकिन धैर्य के साथ। तो इन विषय का अंत नहीं है, लेकिन हम भाषण देते रहेंगे और वो लोग हमारे देश को नष्ट कर देंगे उधर। इसलिए लड़ने का समय है, उठिए और उसके लिए योजनाबद्ध तरीके से धैर्य के साथ संगठन भी बढ़ाइए। संगठन की भी शक्ति का भी एक महत्व है समाज में, और आगे बढ़िए और आने वाली पीढ़ियों को भी सही बात सिखाइए, लड़ना भी सिखाइए। ब्रह्मास्त्र का मंत्र भी लुप्त नहीं हुआ है। यदि योग पात्र मिले तो उसे ब्रह्मास्त्र की भी शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन वैसे पात्रों की कमी है। यही कहकर मैं अपनी बात को विराम देता हूं। यदि किसी को कोई प्रश्न यदि हो तो मैं उसके लिए तैयार हूं। आचार्य मैं प्रोफेसर हरे राम त्रिपाठी जी, कुलपति संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय हमारे बीच उपस्थित हैं, मैं उनका हार्दिक